नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है हमारे नए वीडियो जो कि है टीजीटी और पीजीटी कंप्यूटर साइंस के रिक्रूटमेंट के बारे में। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे पूरे प्रोसेस के बारे में कि कैसे टीजीटी और पीजीटी कंप्यूटर साइंस का रिक्रूटमेंट प्रोसेस होता है, और इसमें हम जो पॉइंट्स कवर करने वाले हैं वो है एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है टीजीटी और पीजीटी कंप्यूटर साइंस का, एग्ज़ाम पैटर्न किस तरह से होता है वो से डिस्कस करेंगे, सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे, पॉइंट नंबर टू सिलेबस है। तीसरे नंबर पे हम डिस्कस करेंगे कि ऑनलाइन एप्लीकेशन और इम्पोर्टेंट डेट कौन कौन सी है, ऑनलाइन एप्लीकेशन कैसे करनी है और इम्पोर्टेंट डेट्स क्या क्या हैं इसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर दोस्तों, हम आपको बताएंगे कि आप कहाँ से हमारे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर, जो पिछली बार टीजीटी कंप्यूटर साइंस का एग्ज़ाम हुआ था, उसका क्वेश्चन पेपर कहाँ से देख सकते हैं और आपको हम वो प्रोवाइड करा सकते हैं, उसके बारे में बताएंगे। तो FAQs दोस्तों, हमने वीडियो डाला है टीजीटी कंप्यूटर साइंस की वैकेंसीज के बारे में, तो उस पर बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं, उस क्वेश्चंस का जवाब हम यहाँ पे देंगे, और हमने उन हमारे कमेंट करने वाले व्यूवर्स को पर्सनली भी उनको मैसेज दे दिया है, रिप्लाई कर दिया है, और तो हम सोचते हैं कि शायद आपके दिमाग में भी ये सारी क्वेश्चंस आएँ, तो उन क्वेश्चंस को हम यहाँ डिस्कस करेंगे FAQs को। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा, लेकिन दोस्तों हम आपके लिए इतने सारे टॉपिक्स क्लियर कर रहे हैं तो एक लाइक तो बनता है इस वीडियो पे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि इससे जुड़े हुए सारे के सारे अपडेट्स और नई जॉब्स के अपडेट्स आपको यहाँ से मिलते रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बात करें एग्ज़ाम पैटर्न की, तो एग्ज़ाम पैटर्न में आपके पास दो पार्ट आएंगे, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। सेक्शन ए में 100 क्वेश्चंस होंगे और प्रत्येक क्वेश्चन एक नंबर का होगा, यानी 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के होंगे, और सेक्शन बी में भी 100 क्वेश्चंस होंगे जो कि आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड होगा, यानी कंप्यूटर साइंस के 100 क्वेश्चंस होंगे और 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के, यानी ईच क्वेश्चन विल बी बेस्ड ऑन 1 मार्क्स। तो ये बात हो गई क्वेश्चंस की और मार्क्स की। अब बात करते हैं दोस्तों, जो इम्पोर्टेंट बात है यहाँ पे कि आपको मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स दोनों पार्ट में लाने होंगे, सेक्शन ए में और सेक्शन बी में, मतलब 100 में से मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स जैसे कि 40% है, तो 40% इसमें भी लाने होंगे मिनिमम क्वालिफाई के लिए, और 40% सेक्शन बी में भी लाने होंगे। यदि मान लो आपकी कट ऑफ गई है 98 मार्क्स आउट ऑफ 200, तो ऐसा नहीं है कि आप 200 में से 90 मार्क्स तो पार्ट बी में ले आए और 8 मार्क्स पार्ट ए में ले आए, ऐसा नहीं होगा। आपको नीचे क्लियरली लिखा हुआ है, हाउएवर फाइनल मेरिट विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ एग्रीगेट मार्क्स ऑफ बोथ सेक्शन ए एंड बी, बट मस्ट हैव क्वालिफाइड, द कैंडिडेट मस्ट हैव क्वालिफाइड इन सेक्शन ए एंड सेक्शन बी सेपरेटली एज पर देयर कैटेगरीज। और जो कैटेगरीज वाइज मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स है वो मैं आपको आगे दिखा देता हूँ, ये कैटेगरी वाइज मिनिमम मार्क्स है क्वालिफाई करने के लिए। आपके पास अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 40 मार्क्स मिनिमम होने चाहिए, और ओबीसी में 35, ये 100 में से है, 100 में से बात कर रहे हैं, अगर तो 100 का ही पार्ट ए होता है और पार्ट बी भी 100 का होता है, तो आपको दोनों में अलग अलग 100 में से 40 और 100 में से दूसरे पार्ट में से 100 में से 40 आपको अचीव करने होंगे, ये कैटेगरी वाइज अलग अलग दी हुई है। तो बात कर रहे थे यहाँ पे, फिर क्या होता है, आप दोनों में 40-40 लिया है इसका मतलब आपको जॉब मिल जाएगी, नहीं ऐसा नहीं है। उसके बाद आपकी फाइनल मेरिट विल बी प्रिपेयर, मेरिट बनेगी और बेस ऑफ एग्रीगेट मार्क्स, एवरेज मार्क्स सभी बच्चों कैंडिडेट्स के कितने आए हैं दो पार्ट ए और पार्ट बी में, उसके आधार पर मेरिट बनती है। तो ये है एग्जाम पैटर्न, ठीक है। अब आगे चलते हैं, इम्पोर्टेंट डेट्स कौन कौन सी हैं और हम कहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, 4 जनवरी 2020 का एडवर्टाइजमेंट है जिसमें इम्पोर्टेंट डेट्स हैं, ओपनिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन वो है 24 जनवरी 2020, मींस मतलब 24 जनवरी से आप ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हैं, आवेदन भर सकते हैं ऑनलाइन, और लास्ट डेट है 23 फरवरी को तक आप
फॉरम अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हैं आप। कहाँ से करेंगे ऑनलाइन? वो है आपके पास, ये है dssbonline.nic.in, यहाँ पे जाकर के आप ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। तो देखिए कैसा होगा, आप उस पर वहाँ पे जाएंगे तो आपके पास dssbonline.nic.in ये वेबसाइट खुल जाएगी। यहाँ पे आप अगर आपने ऑलरेडी भर रखा, इस पर पहले कोई फॉर्म भरा है तो उसी रजिस्ट्रेशन के द्वारा यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड दे करके आप लॉगिन कर सकते हैं और फॉर्म भर सकते हैं। कब से? 24 फरवरी से, यस 24 जनवरी से आप ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं यहाँ से। और यदि आपने पहले कभी DSSB पे फॉर्म नहीं भरा है तो आप यहाँ से क्लिक फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, यहाँ से क्लिक करके ना अपना रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, फिर आपको ID पासवर्ड मिल जाएगा और आप अपने डिटेल्स भर के आवेदन कर सकते हैं। अगर आप पासवर्ड भूल गए तो फॉरगेट पासवर्ड करके भी आप नया अपना पासवर्ड दोबारा जनरेट कर सकते हैं। तो ये आप यहाँ से आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल कर सकते हैं। क्लियर, अब आगे चलते हैं। एग्जाम पैटर्न ऑफ TGT कंप्यूटर साइंस। TGT कंप्यूटर साइंस के एग्जाम पैटर्न में क्या क्या आता है, बात करें पार्ट ए और पार्ट बी की, तो पार्ट ए में 100 मार्क्स के होता है। उसमें 100 मार्क्स पार्ट ए का 5 कैटेगरीज में डिवाइड होता है। ये शुरू के J1 से लेके 5 तक, ये पार्ट ए के लिए है। इसमें आपके पास 20 मार्क्स का GK पूछा जाता है, जनरल अवेयरनेस। 20 मार्क्स का न्यूमेरिकल एबिलिटी टेस्ट होता है आपका, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसमें मैथ्स आती है, रीजनिंग आती है 20 मार्क्स की। फिर है इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट और हिंदी लैंग्वेज टेस्ट। दोस्तों इनमें से आप 40 मार्क्स आराम से अचीव कर सकते हैं, क्योंकि आपको कोई भी बंदा हो जिसको, या तो एक ना एक बंदे की या तो इंग्लिश अच्छी होती है या हिंदी अच्छी होती है। यदि इंग्लिश या हिंदी दोनों में से कोई सी भी लैंग्वेज अच्छी है तो आप एवरेजन यहाँ 40 में से, मतलब मीन्स 20 इंग्लिश और 20 हिंदी, 40 में से मिनिमम 40 मार्क्स आराम से अचीव कर सकते हो। सॉरी 40 नहीं 20 मार्क्स 40 में से 20 मार्क्स इजीली अचीव कर सकते हो, और बाकी के रेस्ट ऑफ 60 में से आपको 20 अचीव करना है। तो ऐसा कोई टफ नहीं है, बिल्कुल इजी है यहाँ से अचीव करना। और बाकी सब्जेक्ट कंसर्न में आपके कंप्यूटर के सब्जेक्ट से रिलेटेड आपके 100 क्वेश्चन आएंगे, उसमें से भी आपको मिनिमम 40 मार्क्स क्वालिफाई करना है। ड्यूरेशन की बात करें तो दो घंटे का एक पेपर, ये पेपर होगा जिसमें दो सेक्शन आएंगे, पार्ट ए और पार्ट बी। सिलेबस की बात करते हैं तो GK में ये सभी टॉपिक्स रहते हैं और रीजनिंग में ये सभी टॉपिक्स रहते हैं, आप इनको ठीक से देख सकते हैं वीडियो को पॉज करके। और न्यूमेरिकल एबिलिटी मैथ्स में बात करें, मैथ्स में हम 10 तक की जो मैथ्स पढ़ चुके हैं उसके बारे में ही ज़्यादातर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, LCM, SCF, ये सभी, इससे रिलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस, ये सभी पूछे जाते हैं। इंग्लिश और हिंदी में ग्रामर से संबंधित ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। ग्रामर एक पैराग्राफ आता है, पैराग्राफ के बेस पे आपको आंसर देने होते हैं, और बाकी आपके ग्रामर से जैसे सिनोनिम्स एटोनिम्स आ गए और आपके पास ग्रामर में एरर्स आएंगे उसको ठीक करना है। तो ऐसे 20 क्वेश्चन आएंगे 20 मार्क्स के, उसमें से आप इजिली 5-6 मार्क्स आराम से अचीव कर सकते हो, क्योंकि आपको 40 मार्क्स चाहिए तो आप 88 क्वेश्चन इजिली अचीव कर सकते हो यहाँ पे। बात करें कंप्यूटर के सिलेबस की, कंप्यूटर के सिलेबस में दोस्तों ज़्यादा यहाँ पे मैं आपको ये बता देता हूँ कि एक बार ही एग्ज़ाम TGT कंप्यूटर साइंस का DSSB ने कंडक्ट कराया है, तो ज़्यादा डिटेल सिलेबस अवेलेबल नहीं है। फिर भी हमने रिसर्च करी प्रीवियस पेपर की, और उसमें से जो प्रीवियस पेपर्स में से जो सिलेबस बना है उसके आधार पर ये हमने एक समराइज सिलेबस बनाया है, जिसमें DBMS और SQL से संबंधित क्वेश्चंस पूछे गए थे, नेटवर्किंग के क्वेश्चंस पूछे गए थे, IP एड्रेस की क्लासेस पूछी गई थी, तो नेटवर्किंग में ट्रांसपोर्ट लेयर्स के बारे में पूछा गया था। तो ये नेटवर्किंग से संबंधित क्वेश्चंस थे, ऑपरेटिंग सिस्टम के क्वेश्चंस थे, और कुछ क्वेश्चंस थे बहुत इजी क्वेश्चंस थे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बारे में, जिसमें वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट के मेन्यूज के बारे में, कौन सा ऑप्शन कहाँ पे होता है, कैसे। तो अगर आपने वर्ड, MS ऑफिस आपको अच्छे से आता है तो आप वो इजीली क्रैक कर सकते हो उन क्वेश्चंस को। HTML टैग्स के बारे में क्वेश्चंस थे, ये मैं आपको पिछला क्वेश्चन पेपर स्टडी करके ही बता रहा हूँ। लैंग्वेज के बेस पे क्वेश्चंस थे, जैसे C, C++, जावा, इन सभी के क्वेश्चंस
पूछे गए थे। इनमें से ज़्यादातर क्वेश्चंस एक प्रोग्रामिंग कोड दे दिया था, उसको आउटपुट क्या होगा उसके बेस पे क्वेश्चन पूछे गए थे, और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के कुछ क्वेश्चंस थे। तो ये समराइज सिलेबस है, डिटेल सिलेबस अवेलेबल नहीं है अभी, और जैसे ही होगा हम आपको उससे प्रोवाइड करवा देंगे। तो आशा करता हूँ ये आपको सिलेबस के बारे में कुछ समराइज इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। आगे चलते हैं दोस्तों, बात करें प्रीवियस टीजीटी कंप्यूटर साइंस एग्जाम की कट ऑफ की, तो टीजीटी कंप्यूटर साइंस का जो प्रीवियस एग्जाम कंडक्ट कराया गया था वो मई 2017 में कंडक्ट हुआ था। उसके फॉर्म भरे गए थे जनवरी फरवरी 2014 में, लेकिन किसी कारण से एग्जाम डिलेड हो गया और एग्जाम हुआ मई 2017 में। तो मई 2017 में जो एग्जाम हुआ था उसकी कट ऑफ जो आई थी वो आपके सामने ये सर्कुलर नंबर दिया हुआ है, इस सर्कुलर के द्वारा कट ऑफ जारी की गई थी, और ये कट ऑफ ये आपके सामने है। अनरिजर्व की 90 मार्क्स, ओबीसी की 68.6 मार्क्स, एससी की 64.75 और एसटी की 58.5। इनमें से कुछ क्वेश्चंस डिलीट कर दिए थे इसलिए ये 30% से भी कम हो गया। दोस्तों अब चलते हैं हमारे प्रीवियस वीडियोस पे जो क्वेश्चंस आए हैं, जो एफएक्यूज जो पूछे गए हैं हमारे व्यूवर्स ने, उनको हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। आशा करते हैं कि आपके दिमाग में भी ऐसे कुछ कुछ क्वेश्चंस आ रहे होंगे तो उनको हम क्लेरिफाई कर रहे हैं। तो खान साहब ने एक क्वेश्चन पूछा है, सर टीजीटी कंप्यूटर साइंस में इंटरव्यू है या नहीं? तो नहीं खान साहब, यहाँ पे टीजीटी कंप्यूटर साइंस में इंटरव्यू नहीं है, ना ही टीजीटी कंप्यूटर साइंस में इंटरव्यू होता है और ना ही पीजीटी कंप्यूटर साइंस में इंटरव्यू होता है। क्लियर। सेकंड क्वेश्चन है, इज देयर एनी सीटेट रिक्वायरमेंट फॉर कंप्यूटर साइंस? नो, देयर इज नो सीटेट रिक्वायर, ना ही सीटेट की रिक्वायरमेंट है, ना ही बीएड की रिक्वायरमेंट है टीजीटी कंप्यूटर साइंस और पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर एमसीए वाला टीजीटी का फॉर्म फिल कर सकता है, प्लीज रिप्लाई। तो दोस्तों मिनिमम क्वालिफिकेशन हमने क्या क्या है, कितनी पोस्ट थी, ये हमने पिछले वीडियो में डिस्कस कर लिया है। पिछले वीडियो का भी लिंक मैं यहाँ पे दे दूंगा, और क्वालिफिकेशंस क्या है जिसमें आप जा करके देख सकते हैं। उसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन बीसीए दी हुई है। अगर आपके पास हायर क्वालिफिकेशन है तो बिल्कुल, आपने एमसीए किया है तो बिल्कुल आप एलिजिबल है, उसमें कोई डाउट नहीं है। तो एमसीए वाला भी टीजीटी के लिए एलिजिबल है। नेक्स्ट है, डियर सर आई हैव डन पीजीडीसी एंड एमएससी कंप्यूटर साइंस, एम आई एलिजिबल और फॉर टीजीटी और पीजीटी, प्लीज सजेस्ट। तो श्याम बनवाल जी, जो हमने आपको रिप्लाई भी कर दिया था, और फिर से एक बार यहाँ पे हमारे व्यूवर्स के लिए हम बता दे रहे हैं कि पीजीडीसीए तो नहीं चलेगा, लेकिन एमएससी आपने कर रखा है तो एमएससी आप की वजह से आप टीजीटी के लिए भी एलिजिबल है और पीजीटी के लिए भी एलिजिबल है। दोनों ही टीजीटी और पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए एलिजिबल है, लेकिन पीजीटी के लिए अप्लाई करने के लिए एमएससी के साथ में आपके पास 1 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और कुछ क्वेश्चंस हैं, एग्जाम लेवल कैसा आता है सर? तो नवीन कुमार जी, एग्जाम लेवल कैसा आता है ये हम डिस्कस कर चुके हैं, और आपको एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं तो हम आपको वीडियो के नीचे लिंक दे दे रहे हैं। पिछले क्वेश्चन पेपर का वीडियो डिस्कस किया हुआ, आंसर की भी डिस्कस कर रखी हमने उसमें, तो आप नीचे मैं जो वीडियो में लिंक दे दे रहे हैं उस लिंक्स पे जाकर के आप चेक कर सकते हैं कि एग्जाम का लेवल कैसा आता है। नेक्स्ट है राघवेंद्र चौधरी। राघवेंद्र सिंह चौधरी जी, आपने बीसीए किया है और टीजीटी में हिंदी मीडियम किया है या इंग्लिश मीडियम रहती है, ये आपने पूछा है और आपने कभी पेपर नहीं दिया। कोई बात नहीं राघवेंद्र जी, हम आपसे डिस्कस करेंगे इस बारे में। आपने मोबाइल नंबर भी दिया है, बहुत अच्छी बात है, हम आपको कॉल करके बताएंगे और आपकी सारी क्वेरीज को क्लियरिफाई करेंगे। आप कोई दिक्कत नहीं, आपने बीसीए किया है तो आप बिल्कुल एलिजिबल हैं पोस्ट के लिए, आप टीजीटी के लिए आप और अप्लाई करिए और अच्छे से प्रिपेयर करिए, और हिंदी और इंग्लिश मीडियम का कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर यदि आप हिंदी मीडियम में कॉन्फिडेंट है, हिंदी मीडियम में पढ़ा अच्छे से पढ़ा सकते हैं, तो आपको हिंदी मीडियम की क्लास दी जाएगी सिलेक्शन होने के बाद, और यदि इंग्लिश मीडियम में पढ़ाना चाहते हैं तो इंग्लिश मीडियम की क्लास आपको दी जाती है। नेक्स्ट है टीजीटी कंप्यूटर साइंस की ओल्ड कट ऑफ। ओल्ड कट ऑफ हमने इस वीडियो में डिस्कस कर लिया है, आप नवीन कुमार जी वहीं से आप ओल्ड कट ऑफ देख सकते हो। नेक्स्ट है सक्षम राणा। सक्षम राणा ने हमसे पूछा है, श्री सर फाइनल मेरे फाइनल ईयर
है। अच्छा, ये अभी फाइनल ईयर कर रहे हैं हम BCA का, जो कि जुलाई में कंप्लीट होना है। एम आई एलिजिबल, क्या मैं एलिजिबल हूँ, तो ये आपने पूछा है, तो हमने इनको रिप्लाई भी कर दिया, सॉरी सक्षम सक्षम यू आर नॉट एलिजिबल बट यू कैन अप्लाई, आपको अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि आपको अप्लाई करके पता चलेगा, आप एग्ज़ाम में देंगे तो आपको पता चलेगा कि एग्ज़ाम का लेवल कैसा होता है, एग्ज़ाम कंपटीशन कैसा होता है, और आपके कितने मार्क्स आप अचीव करते हो, जो कि आपको नेक्स्ट टाइम कोई भी रिक्रूटमेंट होगा उसमें हेल्प करेगा। तो मैं तो यही सजेस्ट करूंगा, आप बिल्कुल एग्ज़ाम में बैठिए और देखिए कि एग्ज़ाम कैसा होता है, लेकिन आप एलिजिबल नहीं हैं, इसलिए अगर आप क्वालिफाई भी कर जाते हैं तो आपको जॉब नहीं मिलेगी। नेक्स्ट है, जोसन ने पूछा है, सर इज देयर एनी सीटेट रिक्वायरमेंट, तो हम पहले ही क्लियर कर चुके हैं, सीटेट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ना ही बीएड की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो दोस्तों, ये थे कुछ FAQs और सारा सब कुछ डिटेल में अबाउट TGT PGT कंप्यूटर साइंस के बारे में। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा, और आपको कोई भी डाउट हो तो आप बिल्कुल कमेंट करिए, हम आपका पूरा सहयोग करेंगे, आपको सवालों का जवाब देंगे, और इन सब के लिए आपको हमारे चैनल से जुड़े रहना होगा, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, और वीडियो को लाइक तो बनता है, हम आपके लिए इतनी रिसर्च करके लेके आते हैं। और हाँ, बात है कंप्यूटर पेपर क्वेश्चन पेपर की, तो क्वेश्चन पेपर आपको PDF फॉर्मेट में चाहिए तो आपको 10-15 दिन का वेट करना पड़ेगा, 10-15 दिन में हम आपको PDF पेपर अवेलेबल करा देंगे, PDF में हम आपको मेल में भेज देंगे, क्योंकि अभी हमारी टीम आउट ऑफ स्टेशन है, जो आपको PDF नहीं दे सकती, तो क्वेश्चन पेपर स्कैन करके आपको PDF में प्रोवाइड करा दिया जाएगा, प्रीवियस TGT कंप्यूटर साइंस का। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।